हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम बार। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों पर फिट एंड फाइन होंगे और अपने दिन की शुरुआत आप पॉजिटिव एनर्जी और जोश के साथ करते होंगे। दोस्तों, जोश और पॉजिटिव एनर्जी दो ऐसी चीजें हैं जिनकी मदद से आप बड़े से बड़ा एग्जाम निकाल सकते हैं, आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो हिस्ट्री में आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जब 10,000 की सेना ने 10,00,000 की सेना को हराया है। रीजन, जो 10,000 की सेना थी उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी और जोश भरा हुआ था, और जब कभी उनके अंदर उस आर्मी के अंदर जोश की कमी होती थी तो उनका सेना नायक, उनका सेनापति उनको जोशीला भाषण देकर उनमें उनमें जोश भर देता था। तो जोश और पॉजिटिव एनर्जी वो दो ऐसी चीजें हैं जिनसे हम बड़े से बड़ा एग्जाम निकाल सकते हैं और बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स आप डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, क्योंकि इतिहास भी कभी पहले डेली लाइफ ही था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को बना के रखेंगे जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती, इवन उसके बाद भी। तो चलिए दोस्तों, उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग नाउन के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स को डिस्कस करेंगे, और ये वो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जहां से आपको हर दूसरे तीसरे एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहां से मैं ऐसा मानता हूं दोस्तों, आपका लगभग लगभग एक नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और डिस्कस करते हैं हम इन थ्री इंपॉर्टेंट रूल्स को। तो दोस्तों, पहला रूल जेंडर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जेंडर से रिलेटेड है। और एक बात और दोस्तों, हम इन तीनों रूल्स को, इन सभी रूल्स को बड़ी ही आसानी से थ्रू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट, पहला रूल। तो दोस्तों, पहला रूल, हमने नाउंस लिखे हैं कुछ, समर, लव, वॉर, विंटर, थंडर, वाइन, ओशन, डेथ, द सन, टाइम। तो दोस्तों, इसके बाद लिखा पर्सनिफिकेशन मैस्कुलिन जेंडर, तो इसको जरा आप समझ लेते हैं। दोस्तों, ये जो नाउंस लिखे हमने, समर, लव, वॉर, विंटर, थंडर, वाइन, ओशन, डेथ, द सन, टाइम, ये वो नाउन है जिनका हम पर्सनिफिकेशन करते हैं तब ये मैस्कुलिन जेंडर में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? मैस्कुलिन जेंडर में। अब आप एक बात समझ लीजिए, पर्सोनिफिकेशन क्या है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब किसी भी नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग कंसीडर कर लेते हैं, कोई भी निर्जीव चीज को हम सजीव मान लेते हैं, ऐसा वर्णन करते हैं कि निर्जीव चीज सजीव बन जाती है, नॉन लिविंग थिंग लिविंग जैसा बिहेव करने लगती है, तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? पर्सोनिफिकेशन। So these are some nouns, when they are personified, then they act as masculine gender. तब ये masculine gender जैसा behave करते हैं। और अब इन nouns को याद करने की trick, दोस्तों एक story हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? Story है, एक लड़का है। कौन है? एक लड़का है जिसका नाम है समर। क्या नाम है दोस्तों? एक लड़का है जिसका नाम है समर, और वो किसी लड़की से लव करता है। क्या करता है दोस्तों? लव करता है। ये सब नाउन है दोस्तों। एक लड़का जिसका नाम क्या है? समर। समर का मतलब सीजन होती है ना, समर सीजन, तो वो वाला है, स्प्रिंग भी वही से आता है। तो एक लड़का है समर, जिसका जो किसी एक लड़की से क्या करता है? लव करता है। अब लड़की की शादी किसी दूसरी जगह हो जाने से, लड़के से नहीं, उससे नहीं हुई, कहीं दूसरी जगह हो जाने से अब समर के मन में युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है? वार चल रहा है कि अब क्या करें भाई, उसको मार दें या खुद मर जाए, क्या करें। इनके मन में वार चल रहा है। और फिर क्या हुआ, एक दिन विंटर सीजन थी। किसकी सीजन थी दोस्तों? विंटर सीजन का मतलब ठंडक का मौसम था, थंडर बादल भी गरज रहा था। थंडर का मतलब बादल गरज रहा था, मतलब बारिश का, तूफान का माहौल बन रहा था। विंटर सीजन थी, थंडर बादल गरज रहा था, और उसी माहौल में ये वाइन को लेकर ओशियन पर गए। कहाँ गए? अकेले थे बेचारे, मन में वॉर चल रहा था, वाइन को लेकर कहाँ चले गए? ओशियन पर गए, और ओशियन के किनारे बैठकर इन्होंने वाइन को बहुत ज्यादा पिया, बहुत ज्यादा मात्रा में पिया,
और जिससे इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। क्या हो गई दोस्तों? डेथ हो गई। और इस प्रकार इनकी लाइफ का सन टाइम से पहले ही अस्त हो गया। क्या हुआ दोस्तों? इनकी लाइफ का सन टाइम से पहले ही अस्त हो गया। तो दोस्तों ये है वो स्टोरी और ये है वो नाउन्स जिनको आप अगर पर्सोनिफाइड करते हैं तो ये मैस्कुलिन जैसा बिहेव करेंगे, ये मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे। और इनके लिए अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम ही हिज और सॉरी हिमसेल्फ, क्या दोस्तों, ही हिज हिमसेल्फ ऐसे नाउन्स को यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से इसको हम पढ़ देते हैं। एक लड़का है समर, किसी लड़की से प्यार करता है, किसी लड़की से लव करता है। लड़की की शादी दूसरी जगह हो जाने से उस लड़के के मन में वॉर चलने लगता है, युद्ध चलने लगता है। फिर विंटर सीजन होती है, मींस ठंडक का मौसम होता है, बिजली भी गरज कड़क रही होती है, थंडर भी होता है। और इस माहौल में ये वाइन को लेके ओशन के किनारे जाते हैं और वहां पर वाइन को बहुत ज्यादा मात्रा में पीने से इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इस तरीके से इनकी लाइफ का सन टाइम से पहले ही अस्त हो जाता है। तो ये वो स्टोरी है और ये वो नाउंस है जिनको हम लोग अगर पर्सोनिफाई करेंगे तो मैस्कुलिन कंसिडर करेंगे और इनके लिए ही हिज हिमसेल्फ ऐसा कुछ वर्ड यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं एक एग्जाम्पल। दोस्तों क्या है एग्जाम्पल? जैसे हमने लिखा, हमने लिखा डेथ। क्या लिखा दोस्तों? डेथ नोज, स्पेस छोड़ दिया, विक्टिम्स, डेथ नोज विक्टिम्स। अब दोस्तों इस प्लेस पर हमें अपने के लिए कोई पजेसिव फील करना। क्या फील करना दोस्तों? कोई पजेसिव फील करना। अब जरा समझिए, देखो पजेसिव क्या होते हैं? मैस्कुलिन के लिए हिज, फेमिनिन के लिए हर, और नॉन लिविंग के लिए इट्स या जानवर के लिए भी इट्स। अब क्या है दोस्तों, अब अगर आप डेथ को मैस्कुलिन मानेंगे, मैस्कुलिन मानेंगे तो हिज फील करेंगे, फेमिनिन मानेंगे तो हर फील करेंगे, और अगर नॉन लिविंग या एनिमल की कैटेगरी में डालेंगे तो फिर इट्स फील करेंगे। क्लियर? लेकिन अब केस क्या है, हमने लिखा डेथ नोज, डेथ को पता होता है। अब अगर कोई चीज निर्जीव है तो उसको पता कैसे है, और अगर किसी को कुछ पता है तो वो निर्जीव नहीं हो सकती। तो कुल मिला के हम इस सेंटेंस में डेथ को पर्सोनिफाई कर रहे हैं क्योंकि इसको अपने विक्टिम्स के बारे में पता है, किसको आज उठाना है किसको नहीं उठाना है, ये बात डेथ को पता होती है। और अगर किसी को कुछ बात पता है इसका मतलब वो लिविंग है, तो इस प्लेस पर हमने डेथ को लिविंग कंसिडर किया है, इसको पर्सोनिफाइड किया है। और जब हम डेथ को पर्सोनिफाइड करेंगे तो वो मैस्कुलिन कैटेगरी में आ जाएगी। और अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे दोस्तों? हिज यूज करेंगे। तो यहां पर हम हर ना फिल करके क्या यूज करेंगे दोस्तों? हिज फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे? हिज फिल करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको हमने मैस्कुलिन कंसिडर किया। क्या कंसिडर किया दोस्तों? इसको हमने मैस्कुलिन कंसीडर किया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है लव से। दोस्तों लव को भी हम जरा कंसीडर करते हैं। हमने लिखा लव, क्या लिखा दोस्तों? लव destroys everything. Love destroys everything that comes in way. अब दोस्तों यहां पर एक बार फिर से फिल करना है। तो हम बोलना ये चाहते हैं लव हर उस चीज को खत्म कर देता है, हर उस चीज को मार देता है जो इसके रास्ते में आती है। तो दोस्तों अगर कुछ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, और आपको पता है दोस्तों एक्शन कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं कर सकती है, कोई भी एक्शन हो रहा है वो नॉन लिविंग थिंग नहीं कर सकती है। तो अब इस प्लेस पर हम लव को लिविंग मान रहे हैं। क्या मान रहे दोस्तों? लिविंग मान रहे हैं।
तो जब आप इसको हम लिविंग मानेंगे तो ये मैस्कुलिन जेंडर का हो जाएगा, और मैस्कुलिन जेंडर का हो जाएगा तो फिर हम इसके लिए क्या यूज करेंगे इस प्लेस पर, इसके लिए हम हिज यूज करेंगे। कहने का मतलब लव के रास्ते में जो भी आता है उसको लव डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऐसे केसेस में जब हम इन नाउन्स को पर्सोनिफाइड करेंगे, इनको हम सजीव मान लेंगे, तो उस कंडीशन में ये सब मैस्कुलिन जेंडर के हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं सेकेंड पॉइंट, सेकेंड रूल, और डिस्कस करते हैं इसके भी एग्जांपल्स। दोस्तों सेकेंड रूल में हमने क्या लिखा है, सेकेंड रूल भी ऐसा ही है। क्या लिखा, द अर्थ, कोप, द मून, ये सभी नाम हमने लिखे हैं। पर्सोनिफिकेशन, फेमिनिन जेंडर, दोस्तों ये वो नाउन्स हैं जिनको हम पर्सोनिफाइड करते हैं तब ये फेमिनिन जेंडर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं फेमिनिन जेंडर, क्योंकि इन नाउन्स में ब्यूटी, सुंदरता, ग्रेसफुलनेस, जेंटलनेस झलकती है। ये सुंदर है, इनके अंदर ग्रेसफुलनेस है, इनके अंदर मॉडेस्टी है, तो इसीलिए इनको हम फेमिनिन जेंडर कंसिडर करते हैं, क्योंकि ग्रेसफुलनेस और सुंदरता ये औरतों की क्वालिटी होती है। और ऊपर जो अनाउंस लिखे थे उनमें स्ट्रेंथ थी, पावर थी, जो जनरली मेल्स की क्वालिटी होती है, इसीलिए उनको मैस्कुलिन कंसिडर किया था और इनको हम फेमिनिन कंसिडर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसकी भी स्टोरी देखते हैं, स्टोरी के माध्यम से इसको भी याद करते हैं। दोस्तों अर्थ पर इसकी स्टोरी क्या है, स्टोरी देखते हैं। स्टोरी है, अर्थ पर एक लड़की है जिसका नाम है होप, का मतलब होता है आशा। क्या होता है दोस्तों, जिसका नाम आशा है। अर्थ पर एक लड़की है जिसका नाम क्या है, आशा है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या है, उसका मुखड़ा मून के जैसा। उसका मुखड़ा कैसा है, उसका चेहरा कैसा है, वो कैसी दिखती है, बिल्कुल मून के जैसी दिखती, बहुत सुंदर है उसका मुखड़ा मून के जैसा। फिर उसके नेचर में क्या है, नेचर में है प्राइड, जस्टिस, मर्सी, उसकी ये कुछ क्वालिटी है। उसके अंदर प्राइड है, उसके उसके उसका जस्टिस वाला नेचर है, मर्सी दया उसके अंदर है, फेथ विश्वास है, चैरिटी है, ट्रुथ है, लिबर्टी है, तो ये उसकी कुछ क्वालिटी है। क्या क्या क्वालिटी है दोस्तों उसके नेचर की, प्राइड है उसके नेचर में, जस्टिस है, मर्सी है, फेथ है, चैरिटी, ट्रुथ, लिबर्टी, ये उस लड़की जिसका नाम है आशा उसकी कुछ क्वालिटीज है। अब क्या है दोस्तों, उसके पास है तो कार भी, बट ट्रेन में ट्रेवल करना पसंद करती है। फिर क्या है दोस्तों, और क्या है, रिवर के किनारे बैठकर उसको शिप देखना बहुत ज्यादा पसंद है। तो ऐसी ही कुछ स्पेशल क्वालिटीज की वजह से फेम उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। और जब ऑब्वियस ही बात है प्रसिद्धि कैसे फैलती है, सबसे पहले वो अपनी लोकलिटी में फेमस हुई, फिर थोड़े और वाइड एरिया में, फिर पूरे नेशन में, पूरे देश में उसकी प्रसिद्धि फैल गई, पूरे देश में फेमस हो गई, जैसे मलाला यूसुफ जई थी वैसे ही वो भी फेमस हो गई। और फिर क्या हुआ, अब जब कोई फेमस होता है तो उसके आसपास के लोग, उसके सिटी के लोगों ने जेलसी शुरू कर दी, मीन्स उसके आसपास के लोगों ने उससे क्या कर दिया, जेलसी करना शुरू कर दिया, लोग उससे जेलसी करने लगे। ऑब्वियस बात है जब कोई फेमस होता है तो उसके आसपास के लोग पहले उससे जेलसी करना शुरू कर देते हैं, तो लोगों ने क्या कर दिया, जेलसी मींस उससे घृणा करना शुरू कर दिया। तो ये दोस्तों एक स्टोरी है, एक अर्थ पर लड़की है जिसका नाम क्या है, आशा है, उसका मुखड़ा मून के जैसा दिखती है वो, उसके नेचर में प्राइड, जस्टिस, मर्सी, फेथ, चैरिटी, ट्रुथ और लिबर्टी है, उसके पास कार है लेकिन ट्रेन में चलना पसंद करती है, वो रिवर के किनारे शिप देखना उसको बहुत पसंद है, इन क्वालिटीज की वजह से वो फेमस हो गई, उसकी फेम दूर दूर तक फैल गई, पूरे देश में फेमस हो गई वो। और फिर क्या हुआ, उसके आसपास सिटी के लोगों ने उसे जस्टिस करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों ये वो नाउन है जिनको हम पर्सोनिफाइड करेंगे तो ये फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में आएंगे। किस जेंडर की कैटेगरी में आएंगे दोस्तों, ये फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में आएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों अब इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं।
दोस्तों नेशन का एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है दोस्तों नेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी मैं आपको थोड़े कुछ दिन पहले की घटना बताता हूं, जब अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान से वापस आए थे तो हम लिखते हैं नेशन, नेशन इज रेडी, इज रेडी टू वेलकम ब्रेव सन। अब इस प्लेस पर आप क्या फील करेंगे? आपके पास ऑप्शन है हिज, हर या इट्स। दोस्तों अगर आप हिज, हर, इट्स, देयर तो फील कर नहीं सकते। अब इसमें से आप क्या फील करेंगे दोस्तों? यहां पर हमने लिखा वेलकम करने के लिए नेशन रेडी है। नेशन क्या है? वेलकम करने के लिए रेडी है। तो अगर कोई भी पर्सन या कोई भी चीज कुछ करने के लिए तैयार है, कुछ एक्शन करने के लिए तैयार है, इसका मतलब वो पर्सोनिफाइड है। और अगर वो चीज पर्सोनिफाइड है तो इसका मतलब उसको हमें कुछ ना उसको हमें लिविंग मानना पड़ेगा, और लिविंग होगा तो या तो वो मेल कैटेगरी में जाएगा या फिर वो फीमेल कैटेगरी में जाएगा। लेकिन ये वो नाउंस है जो किस कैटेगरी में जाने हैं, ये फीमेल कैटेगरी में जाने हैं, फेमिनिन कैटेगरी में जाने हैं, और इनके लिए हमें शी या हर में से कुछ यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्लेस पर हम क्या यूज करेंगे? इस प्लेस पर हम नेशन को फेमिनिन कंसिडर करते हुए क्या यूज करेंगे? हर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे दोस्तों? हर यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि इसको हमने फेमिनिन कंसिडर किया है। अब दोस्तों एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। द शिप फॉट, द शिप फॉट वे अगेंस्ट द माइटी वेव्स, माइटी वेव्स। इसका मतलब शिप क्या कर रहा है? लड़ रहा है दोस्तों। शिप क्या कर रहा है? लड़ रहा है। और अगर कोई चीज या कोई पर्सन लड़ रहा है, इसका मतलब वो लिविंग है, और जब तक वो लिविंग नहीं होगा तब तक किसी से लड़ नहीं सकता। तो इसका मतलब यहां पर हमने शिप को पर्सोनिफाइड किया है, शिप को हमने पर्सोनिफाइड किया है, इसलिए इसको हम लिविंग कंसिडर कर रहे हैं। और जब हम शिप को लिविंग कंसिडर कर रहे हैं तो इसका जेंडर होगा फेमिनिन, और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे दोस्तों? इसके लिए हम यूज करेंगे हर। क्या यूज करेंगे दोस्तों? हर यूज करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा द शिप फॉट हर वे अगेंस्ट द माइटी वेव्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों सेकेंड पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा, सेकेंड रूल भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब कहानी है थर्ड वन की। दोस्तों जो थर्ड वन पॉइंट हम लोगों ने लिखा है, तीसरा पॉइंट लिखा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए दोस्तों आपको कहानी मैं सुना देता हूं, इसकी कहानी आपको मैं सुना देता हूं। एग्जाम्पल्स आप इसके कमेंट बॉक्स में डालिएगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जो भी सेंटेंसेस फ्रेम करें, छोटा या बड़ा, शॉर्ट और लेंथी, जैसा भी सेंटेंस आप फ्रेम करें उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इसके एग्जाम्पल भी वर्ड आप दे सकते हैं उसके एग्जाम्पल को डाल के, क्लियर? तो चलो दोस्तों इसकी कहानी सुनते हैं। दोस्तों ये वो नाउन्स हैं जो ऑलवेज सिंगुलर रहते हैं। कैसे रहते हैं दोस्तों? ये ऑलवेज सिंगुलर रहते हैं, ये ऑलवेज सिंगुलर रहते हैं, इनमें ना तो हम एस लगा सकते हैं और ना ही एस हटा सकते हैं, इनसे पहले हम ए या एल का भी यूज नहीं करते हैं। तो ये वो नाउन्स हैं।
इनकी कहानी मैं आपको सुना देता हूँ, जो ऑलवेज सिंगुलर रहते हैं, एस लगा है तो हटा नहीं सकते, नहीं लगा है तो लगा नहीं सकते, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इनसे पहले हम आर्टिकल ए या एन, क्या दोस्तों, ए या एन भी नहीं यूज करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने आप में ही सिंगुलर है। अब इसके एग्जाम्पल्स को आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, स्टोरी मैं सुना देता हूं। दोस्तों एक लड़का है, एक एक आदमी है, एक मैन है, और जहां तक इसके बारे में मेरी इंफॉर्मेशन है, जहां तक इसके बारे में क्या है, मेरी इंफॉर्मेशन है, इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। इसका बिहेवियर क्या है, बहुत अच्छा है। ये अपने घर के फर्नीचर को, अपने घर के फर्नीचर को बिल्कुल साफ रखता है, क्लीन रखता है, और साथ साथ में क्या करता है, ये बिलियर्ड्स और एथलेटिक्स गेम्स खेलता है। क्या करता है, बिलियर्ड्स और एथलेटिक्स गेम्स खेलता है, और गेम्स में अपनी इनिंग्स, आई मीन पारी को, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपनी इनिंग्स पारी को, उसका एस हटा लो नहीं, कभी हटेगा नहीं उसका एस, अपनी इनिंग्स पारी को इतने अच्छे तरीके से खेलता है कि हमेशा कहां रहता है, हमेशा न्यूज में रहता है, लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली, हमेशा कहां रहता है, न्यूज में रहता है। तो दोस्तों गेम्स के साथ साथ ये मैथमेटिक्स, एथिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, डायनामिक्स, पॉलिटिक्स, ये कुछ सब्जेक्ट भी पढ़ता है। क्या क्या पढ़ता है दोस्तों, मैथमेटिक्स, एथिक्स, फिजिक्स, डायनामिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट पढ़ता है, एस्थेटिक्स, ये सब्जेक्ट पढ़ता है। तो यहां पर वर्क कितना हुआ, फर्नीचर साफ करता है, खेलता है, पढ़ता है, इसके अलावा सीनरी पे पोइट्री भी करता है, और इसीलिए अपनी स्टेशनरी को हमेशा साथ में रखता है। सीनरी पे पोइट्री भी करता है और इसीलिए अपनी स्टेशनरी को हमेशा साथ रखता है। अब दोस्तों फर्नीचर साफ कर रहा है, गेम खेल रहा है, पढ़ाई कर रहा है, पोइट्री भी कर रहा है, तो वर्कलोड ज्यादा हुआ, वर्कलोड ज्यादा हुआ। एक 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 वर्ड में यहां पर भूल गया, उसको लिख लीजिए यहां पर, वर्क, वर्क। दोस्तों वर्कलोड ज्यादा हुआ तो वर्क की वजह से इसको मिजल्स, रिकेट्स और मम्स, तीन डिजीज हो गए, मिजल्स, मम्स, रिकेट्स, तीन डिजीज हुए, शिंगल्स भी है, वो डिजीज हो गए, और इन डिजीज का रिजल्ट ये हुआ, इनके हेयर, इनके बाल गिर गए, और एक दिन ये अपने लगेज और बैगेज को लेकर कहीं इंपॉर्टेंट वर्क से जा रहे थे, रास्ते में ट्रैफिक में इनकी गाड़ी फंस गई, ट्रैफिक में ये फंस गए, और उसी समय क्या हुआ, इनकी गाड़ी का फ्यूल भी खत्म हो गया। एक तो ट्रैफिक में फंस गया और उसी समय गाड़ी का फ्यूल भी खत्म हो गया, और जैसे ही ये घटना इनके साथ हुई, एक और दुर्घटना इनके साथ हो गई। क्या हुई, पास वाले कन्फेक्शनरी वाले ने इनकी आंखों में डस्ट झोंक कर, आई मीन धूल झोंक कर, इनकी ज्वेलरी को चुरा लिया, उड़ा लिया या छीन लिया। अब जब इनकी ज्वेलरी चोरी हो गई, तब ये कहां जाएंगे, पुलिस स्टेशन। तो ये जब ये पुलिस स्टेशन गए, तो यहां इनसे सीधा एक वहां पर इनसे एक सीधा सवाल किया गया, हैव यू एनी एविडेंस, क्या आपके पास कोई सबूत है। इन्होंने कहा नो सर, उन्होंने कहा गो सर। तो अब ये बाहर आ गए बेचारे थोड़ा उदास से। तो यहां पर बाहर इनको एक व्यक्ति मिला जिसका दोनों तरफ का जुगाड़ था, उसने इनको एक एडवाइस दी और कहा देखो भाई यहां पर काम परसेंटेज में होता है, यहां पर काम कैसे होता है, परसेंटेज में होता है। तो दोस्तों ये है वो स्टोरी जिसके माध्यम से आप इन सभी वर्ड्स को बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, दिस स्टोरी इज ओनली फॉर लर्निंग पर्पस, दिस इज अ फिक्टिशियस स्टोरी, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एनी सच टाइप ऑफ स्टोरी दैट हैपेंस एंड इन दिस स्टोरी, इफ इट हैपेंस देन इट इज ओनली अ कोइंसिडेंस। तो वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं, लर्निंग पर्पस के लिए स्टोरी बनाई गई है, वास्तविकता से इस स्टोरी का कोई लेना देना नहीं है। एक बार दोस्तों इस स्टोरी को फिर से मैं बता देता हूं, एक व्यक्ति है, इसके बारे में जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, अपने घर का फर्नीचर बिल्कुल साफ रखता है,
बिलियर्ड्स एथलेटिक्स इनिंग्स सॉरी बिलियर्ड्स और एथलेटिक्स गेम्स खेलता है और गेम्स में अपनी इनिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से खेलता है और इसीलिए हमेशा कहाँ रहता है, न्यूज में रहता है। और मैथमेटिक्स एथिक्स फिजिक्स स्टेटिक्स डायनामिक्स ये सब्जेक्ट पढ़ता है और इनके साथ साथ सीनरी पे पोइट्री भी करता है और इसीलिए अपनी स्टेशनरी को हमेशा साथ में रखता है। वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से इसको मीजल्स रिकेट्स मम्स डिजीज हुए और रिजल्ट ये हुआ इसके बाल गिर गए। और एक दिन लगेज और बैगेज के साथ कहीं जा रहे थे तो ट्रैफिक में ये फंस गए और उसी टाइम इनकी गाड़ी का फ्यूल भी खत्म हो गया। इतने में मौका पाकर कन्फेक्शनरी वाले ने इनकी आंखों में डस्ट झोंक कर इनकी ज्वेलरी को चुरा लिया। जब ये पुलिस स्टेशन गए तब इनसे पूछा गया कि हैव यू एनी एविडेंस, क्या आपके पास कोई एविडेंस है? इन्होंने कहा नो सर। उन्होंने कहा गो सर, आप जा सकते हैं। फिर ये उदास चेहरा लेकर बाहर आए तो बाहर इनको एक व्यक्ति मिला जिसने इनको एडवाइस दी और कहा ये काम पर यहाँ पर काम परसेंटेज में होता है। तो दोस्तों ये है वो स्टोरी, बट ध्यान रहे ये स्टोरी रियल नहीं है, इसको हमने सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए बनाया है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये वो नाउन्स हैं जो ऑलवेज सिमिलर रहते हैं, इनसे पहले आर्टिकल ए या एन हम नहीं यूज करते हैं और इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। कैसी वर्ब यूज करते हैं? ऑलवेज अ सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब? सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, ये बात आप ध्यान रखना। तो दोस्तों इसमें से कोई भी वर्ब उठाकर आप उसको सेंटेंस में यूज करके आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से सेंटेंस फ्रेम करके बताइए, बट आप उसके साथ में एक सिंगल वर्ब लगाइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये स्टोरी ये क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके